जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत में कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता। महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो। ये बात कही गई थी मिस्टर डॉक्टर विकास दिव्यकृति जी सर ने अपने एक स्पेशल टॉक में। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत उसी वाक्य से कर रहा हूँ और मैं इस वाक्य का संदर्भ अपने इस वीडियो के साथ देना चाहूंगा। दरअसल बात यह है दोस्तों, अगर आप कुछ परेशानियों का सामना नहीं कर रहे हो, आपको कुछ तकलीफें उठानी नहीं पड़ रही है, तो आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। जो लोग सदा परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो लोग सदा तकलीफें उठा रहे हैं, जिनको हार का सामना कर पड़ रहा है, वास्तव में वही लोग एक दिन आके जाके बहुत बड़ा कमाल कर पाते हैं। तो स्वतंत्र का सिद्धांत यह आपका फ्रीडम ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। यही बात को आगे ले जाते हुए मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप अपना मूल्यांकन खुद करें। मैं आपके लिए एक ऐसी क्वेश्चनरीज लेके आया हूं, उस क्वेश्चनरीज आप अपने आप को पूछें और सही टाइम पे आप एक अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हो। तो वास्तव यही है कि आपको अपना मूल्यांकन खुद करना है, वो क्वेश्चनरीज अपने आप को खुद पूछनी है, ताकि आप अपने जो करियर का पाथ है उसमें बने रहे और एक अच्छे मुकाम पे आगे देख सके और अपने आप को लेके जा सके सही टाइम पे। तो वो क्वेश्चनरीज क्या है? व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू। तो यही है कि मैं वास्तव में क्या करने जा रहा हूं, क्या मैं सचमुच वहां पहुंच सकता हूं, एम आई श्योर ऑफ द रूट, क्या मैं मार्ग के बारे में निश्चित हूं। ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो। व्हाट आर द रिस्क, खतरा क्या है, अगर मैंने ये मार्ग चुना है तो उसमें क्या क्या खतरा है। आर माई सब्जेक्ट्स आर अप्रोप्रिएट, जो भी आपने सब्जेक्ट्स चुने हैं, क्या जितने भी आपके विषय है वो उपयुक्त है। इफ आई डोंट मेक इट देन डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन, यदि मैं इससे नहीं बन पाता तो क्या मेरे पास कोई अन्य विकल्प है। तो ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछो और अपने करियर में आगे बढ़ना सीखो। तो यही क्वेश्चंस है मैंने अपने आपके लिए लेके आया था, और जो पहला वाक्य मैंने कहा था वो उस वाक्य का संदर्भ इसी क्वेश्चनरीज के साथ जुड़ा हुआ है। अपने आपका मूल्यांकन खुद करें और सही रास्ता चुने। थैंक यू वेरी मच।